यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, किसके सर सजेगा उप महापौर का ताज, इस खबर को लेकर मैं शाली एक बार फिर हाजिर हूँ, मुखातिब हूँ अपने जनता जनार्दन के समक्ष। तो आप सभी को हमारा नमस्कार और मैं हूँ विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज यानी खबर की तहता। दर्शकों, कल मतदान है, जिस घड़ी का इंतजार तमाम प्रत्याशियों को था और जिसका तमाम मतदाताओं का था, वो घड़ी बहुत नजदीक आ चुकी है, यानी कल एक रात की बात है। हाँ, एक रात की बात है और एक और कह सकते हैं रात बाकी बात काफी, यानी रात भर का समीकरण क्या होगा कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। रात में भी बात बनते हैं और रात भर में समीकरण भी चेंज होते हैं, लेकिन बात है चुनावी मुद्दे की और चुनाव के संग्राम में इस जंग की, क्योंकि इस महापर्व में तमाम प्रत्याशियों ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी जनसंपर्क अभियान अपना तेज रखा है, प्रचार प्रसार पर जोर दिया है और तमाम लोगों की एक ही चाहत है कि उस कुर्सी तक पहुँचने की। तो सबसे पहले हमारा सिटी न्यूज परिवार की ओर से आपको सबसे पहले यह सूचना दे आपसे निवेदन है, शालिनी जी हम लोग दोनों निवेदन कर दें कि आप कल जो महापर्व है उसमें पहला वोट तब घर का। हाँ बिल्कुल, और जिसके प्रति आपकी ईमानदारी है, वफादारी है और किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, अपने नगर निगम के प्रति, अगर आपकी वफादारी है, ईमानदारी है, समझदारी है, तो आप वोट देने जरूर जाएं और उस प्रत्याशी को जिताएं। बिल्कुल, तो आपका एक मत इस कह सकते हैं नगर निगम क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए काफी है। तो ऐसे में आप मत देने के लिए सबसे पहले मत यानी वोट तब घर का खाना। बिल्कुल, और मैं पूरे जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी का हम लोगों का ये शुभकामना है कि आप इस जंग को जीतें। बाकी जीतता कौन है ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी, लेकिन अभी विजेता तो सभी है। तो एक बात है, पहले करें मतदान फिर करें सारा काम। तो अब हम बताते हैं दर्शकों कि उप महापौर का जो ये मामला सामने अब आपके सामने पूरी तरह से बातें खुल कर आ गई है और इस महासमंदर में तीन ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूरी तरह से एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वैसे में तीन प्रत्याशी बता दीजिए शालिनी जी। बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा से परविंदर कुमार उर्फ बाबू और बीजेपी से राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह, साथ ही कांग्रेस से मनोज सिंह जी, ये तीनों की कांटे की टक्कर हुई, लेकिन साथ में और पार्टियां हैं। और जो पार्टियां सामने नजर आई है वो है झारखंड विकास मोर्चा से सुरेश अग्रवाल और साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी जगन्नाथ प्रसाद सिंह, ये लोग भी काफ़ी मेहनत किए हैं। और भी कई पार्टियां, जैसे हम बसपा से बात करें और भी विभिन्न पार्टियों से बात करें, लेकिन यहाँ पर जो बातें आ रही है ये तीन चेहरे लगातार सभी के चेहरे जो है, तीन जो चेहरे मैंने बताया कि मंगल सिंह, मनोज सिंह और परमेंद्र कुमार बाबू, ये सभी के दिमाग में बैठे हैं और ये तीनों जो है चुनावी समंदर में जो है लगातार जो है जंग में काफी शामिल हुई है। शुरू से जो बातें हो रही है, डिप्टी मेयर के ताज की बात हो रही है, तो इन तीनों प्रत्याशी की ज्यादा जनता चर्चा कर रही है। बिल्कुल, और जनता चर्चा है और तीनों में कांटे की टक्कर है, कहा नहीं जा सकता है कि कूट किस करवट बैठेगा, लेकिन इस कांटे की टक्कर में पता नहीं चौथा कोई नहीं निकल जाए, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते चाहे वो मेयर का पद हो या डिप्टी मेयर का। बिल्कुल, जब जनता आप है, मतदाता आप है, निर्णय लेना आपका काम है, हमारा काम है सिर्फ जनता की बात को आप तक पहुंचाना। हम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं और ना किसी के पक्ष की बात करते हैं। लेकिन विकास जी, भले ही हमारे ये प्रचारक जो हैं वो चुनाव प्रचार जो बंद हो चुके हैं, गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जनता के अंदर एक जोश है और हमारे प्रत्याशी भी घर घर जब तक मौका है मौके पे चौका तो ज़रूर मारेंगे। और उनका जो होता है कि आज रात की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी ये होने वाली उनके ऊपर, ये कह दे रात बहुत बड़ी हो, रात होगी और सुबह नए सवेरे के इंतजार में हमारे प्रत्याशी घर से तैयारी करके और तमाम प्रत्याशी जो है रात भर बेचैन रहेंगे। आज हो सकता है कि रात में सोए भी नहीं। और साथ ही बता दे दर्शकों कि आप मतदाता भी नहीं सोएंगे, क्योंकि आप भी जानेंगे कि कहीं रात के 12 बजे आपका दरवाजा तो कोई नहीं खटखटा रहा हो और बोले कि सर
जी मैं आया हूँ, मैं ये प्रत्याशी हूँ, मैं चुनाव लड़ने के। एक तो बेचैनी कल वोट के लिए, उसके बाद से जीत की जो बेचैनी है, जो लहर है वो दौड़ेगी। ये तो अभी बहुत कुछ बाकी कहना है, जो जनता हमें बता रही है वो बात हम आप तक ला रहे हैं। तो हम अब खत्म हो गए मुद्दों की, अब बात हो रही है सिर्फ चुनाव जीत और हार की। वादों की बातें जो खत्म हो गई, अब इरादे किसके नेक हैं और इरादे की बातें हो रही है कि कौन इस जंग को जीतता है और कौन करता है जनता के दिल पर राज। और ये भी एक इतिहास लिखा जाएगा कि डिप्टी मेयर का, महापौर यानी महापौर का पद पर पहला बैठने वाला व्यक्ति इस नगर निगम क्षेत्र का कौन होगा। काफी चर्चा जोरों पर है, लेकिन फिलहाल दर्शकों बता दें कि हम इसी तरह कार्यक्रम आपको लेकर के आते रहेंगे। तो पहले मैंने पहले कहा था कि पहले मतदान फिर करें सभी कार्य, और पहले बाद में भोजन पान, पहले हाँ, मतदान फिर भोजन पान ये कह सकते हैं। तो लास्ट में यही कहेंगे कि हम फिर मिलेंगे दर्शकों इसी समय इसी चैनल पर, और जनता की ढेरों सारी शुभकामनाएं प्रत्याशी के साथ है, हमारे चैनल की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप इस जंग को जीते हम यही चाहते हैं, लेकिन ये भी है कि प्रत्याशी तो कोई नहीं। बिल्कुल, नौ प्रत्याशी आप मैदान में है, नौ को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। नौ ने काफ़ी मेहनत की है, और जो मेहनत जिसका सबसे ज़्यादा होगा जनता उसे अपने दिलों पर बैठाएगी, दिलों पर राज कराएगी। देखना यह है कि यानी जनता किस ओर जाती है, जनता का ग्रहण किस ओर जाता है फिलहाल। लेकिन सभी को ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं, सभी प्रत्याशी मतदान में है, सभी लोगों ने जनता का हाल जाना, यही बहाने जनता के घर घर तक गया और उनकी समस्याओं को सुना। जनता भी अब समझ गई है कि हर प्रत्याशी 5 वर्ष में कम से कम एक बार तो जरूर दरवाजा खटखटा रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप भूले नहीं 16 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह जाके वोट जरूर। चलिए, तो हमने आपको बता दिया कि सीधी सीधी अब मुकाबला जो है, तीन प्रत्याशी जो मुख्य रूप से हैं दिख रहे हैं बाजार में और जिनका चर्चा है इस शहर में, वो हैं मंगल सिंह, भारतीय जनता पार्टी से उप महापौर के प्रत्याशी हैं, मनोज सिंह जो कांग्रेस से उप महापौर के प्रत्याशी हैं, वह JMM से परमेंद्र कुमार बाबू जो प्रत्याशी हैं JMM से। ये तीन लोगों के बीच में चुनावी कांटे की टक्कर चल रही है। बाकी प्रत्याशियाँ रात में, प्रत्याशी जितने भी है वो लगातार अभी भी कम नहीं हुआ। और जैसे आप कहते हैं कि तकदीर बदलने वाली बात और दिशा और दशा बदलने वाली बात, तो किसकी तकदीर रात भर में बदलती है ये भी हम नहीं बता सकते। ये तो जनता जनार्दन ही फैसला करेगी, और आप ही बताएंगे कि मतदाता आप हैं। हम भी हैं मतदाता, मैं भी सवेरे कल उठूंगा और सबसे पहले मतदान करूंगा, तब भोजन पान करूंगा। तो आपको भी शालिनी जी कल आप सबसे पहले हमारा यही काम होगा हाँ। कि हम, लेकिन वो बातें राज की होती है कि हम किसे अपना मत देते हैं, ये तो लेकिन मत ये तो नहीं मत नहीं देना ये नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात पे जोर करती हूँ। आप बताइए ना किसे देंगे। बिल्कुल, किसे देंगे, जिसको हमने अपने दिल पे बैठाया है, नहीं जिसको अपने दिल पे बैठाया है और चाहते हैं कि वो जनता के दिलों के साथ। शालिनी जी भी नहीं बता रही कि मत किसे देंगे, तो बताइए, तो मतदान है तो मैं कैसे बताऊं कि मत किसे दूंगा। मैं मत जरूर दूंगा, लेकिन मैं नगर निगम के विकास की बात सोच कर दूंगा। आप भी यही बात सोच कर, किसी व्यक्ति विशेष की बात को न सोचते हुए हम नगर निगम के विकास की बात, नगर निगम के भविष्य की बात, भविष्य की बात, उजाले की ओर ले जाने की बात करेंगे, उसको वोट डालेंगे जो 5 साल में वो तरक्की करे, जो अपने वादे के मुताबिक बातें कर रहे हैं कि हम दशा और दिशा बदलेंगे, तो देखते हैं वो कौन करता है। तो चलिए, अब हम दर्शकों से विदा लेते हैं, हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।